अजमेर जिले के रामगंज थाने का मुकदमा नंबर 183 2021 24/5/2021 को दर्ज हुआ था। 8/22 NDPS एक्ट, 8/29 NDPS एक्ट। उसमें मौके पे दो आदमी अरेस्ट हुए थे, बाद में दौरान तफ्तीश दो तीन और व्यक्ति अरेस्ट हुए थे। उस समय तीन मुकदमे एक साथ दर्ज हुए थे एक दो दिन के अंतराल से। मुकदमा नंबर 183/21 रामगंज, 195 रामगंज, 139 अलवर गेट। इन तीनों मुकदमों का अनुसंधान पहले लोकल पुलिस ने किया, फिर SOG के इंस्पेक्टर खिलेरी साहब ने किया, उसके बाद में दिव्या मैडम ने किया। बाद में 27 फरवरी 2023 से ये मुकदमे मेरे जिम्मे किए गए हैं। मैंने जब इन मुकदमों का अनुसंधान किया तो मैंने ये पाया, पत्रावली में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उन दस्तावेजात के आधार पर ये पाया कि मुकदमा नंबर 183/21 में अभियुक्त संजीव नंदवानी की गिरफ्तारी की अनुमति दिव्या मित्तल ने ले रखी थी, और उसके बाद में वह व्यक्ति इनकी कस्टडी में था। एक अन्य प्रकरण में 195 में इनकी कस्टडी में था, वहाँ से इन्होंने इसको जेसी करवाया, जेसी करवाने के बाद में उसकी जमानत हो गई। लेकिन इस अवधि में उन्होंने उस व्यक्ति को 183 जिसमें प्रोडक्शन ये गिरफ्तारी की स्वीकृति मिली हुई थी उसमें अरेस्ट नहीं किया, जो गैर कानूनी कृत्य है। लिहाजा ने धारा 221 IPC का दोषी मानते हुए आज शाम को 5:15 बजे गिरफ्तार किया है। सर, एक बार जो धाराओं में आपने इनको अरेस्ट किया है, क्या उनको आम भाषा में समझा सकते हैं? तीनों सेक्शन जो आपने बोले हैं किन किन पे अप्लाई करते हैं? पुलिस अधिकारी के जिम्मे, पुलिस अधिकारी लोक सेवक, IPC में लोक सेवक जी, और NDPS में अधिकारी शब्द यूज किया है। किसी अधिकारी को जो परीय कर्तव्य दिए होते हैं उसकी वो पालना करने में त्रुटि करता है जिससे मुलजिम को फ़ायदा मिलता है, और उसमें खास बात यह है कि वो त्रुटि जो की जा रही है उसमें जो हमें एक्शन लेना चाहिए, जो हमारी ड्यूटी बनती है, उस ड्यूटी को हम अंजाम नहीं दें, इस वजह से यदि मुलजिम को फ़ायदा मिलता है तो ये लापरवाही नहीं होके गैर कानूनी कृत्य कहलाता है। तो तीनों जो धाराएं मैंने बताई IPC की और जो IPC की दो धाराएं NDPS की, एग्जैक्ट इसका जो अर्थ है वो यही निकलता है कि अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में गैर कानूनी कृत्य करना। अब क्या रहेगा सर इसमें आगे, दिव्या मित्तल जी को कहां ले जाएंगे? इसमें चूँकि आज हमने 5:15 बजे इन्हें अरेस्ट किया है तो कल सुबह हम इन्हें यहाँ के NDPS कोर्ट में पेश करेंगे, फिर तफ्तीश में जो तथ्य आ रहे हैं उस हिसाब से आगे का तय होगा कि कल हम इनका PC लेते हैं या JC रिकमेंड करते हैं। अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, सुबह तक हमारी स्थिति और ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। इस मामले में जो और भी जांच करता थे वो भी संदेह के घेरे में हैं, तो अधिकारी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तफ्तीश के स्तर पर जो तथ्यात्मक चीज़ें, जो रिकॉर्डेड चीज़ें जो सामने आई है उस हिसाब से हम एक अभियुक्त तक पहुँचे हैं। आगे अनुसंधान में जैसे जैसे तथ्य आते रहेंगे उस अनुरूप आगे की तफ्तीश जारी रहेगी। सर, तीन मुकदमे हुए थे मूल रूप से, आप अभी एक उसमें आपने वो 183 एक मुकदमे रामगंज का है सर? रामगंज का। एक बार सेक्शन बता दें IPC वाले बस। IPC की 217 221 और NDPS एक्ट की धारा 59।